क्या है तिरुपति बालाजी में बाल दान करने के पीछे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने तिरुपति बालाजी के मंदिर में बाल दान किए होंगे, पर क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? बाल दान से कैसे पुण्य की प्राप्ति होती है? क्या व्यापार की दृष्टि से भी इसका कोई फायदा है? दरअसल ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से तिरुपति बालाजी में अपने बालों का दान करता है, उस भक्त को भगवान उससे 10 गुना ज्यादा धन वापस लौटाते हैं। जी हाँ, मान्यता है कि व्यक्ति अपने बालों के रूप में अपने पापों और बुराइयों का भी दान कर देता है, जिससे वेंकटेश्वर प्रभु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बनी रहती है। आपको बता दें, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो कि काफी प्रचलित है, तो आइए सुनते हैं। कथा की माने तो प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर रोज एक गाय अपना सारा की सारा दूध गिराकर चली जाया करती थी, जिसकी वजह से वहां पर चींटियों का पहाड़ सा बन जाता था। एक दिन ये बात गाय के मालिक को पता चली और उसे बहुत गुस्सा आया। एक दिन वो आदमी उसी समय वहां पर पहुंच गया जब गाय उस मूर्ति पर दूध गिरा रही थी। गुस्से में उसने न आव देखा न ताव और कुल्हाड़ी से उस गाय की हत्या कर दी। वो गाय तो मर गई, लेकिन कुल्हाड़ी का कुछ हिस्सा भगवान के सिर पर लग गया, जिसकी वजह से उनके सिर के बाल भी वहां पर गिर गए। बालाजी की मां नीला देवी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनके बेटे का अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने सिर के कुछ बाल निकालकर भगवान के सिर पर लगा दिए। इस तरह बालाजी का घाव भी भर गया और उनके बालों की सुंदरता पर कोई आंच भी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ बालाजी की मां के सिर से खून बह रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने सिर के बाल अपने बेटे को दे दिए थे। जब बालाजी ने देखा कि उनकी मां के सिर से खून बह रहा है, तब उन्होंने उनसे कहा कि जो बाल एक स्त्री की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं, आपने मेरे लिए उन्हीं का त्याग कर दिया है। आज से जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष या फिर युवा या फिर वृद्ध, इस जगह पर मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उनकी मैं हर इच्छा पूरी करूंगा। तब से लेकर आज तक भक्त अपने बालों को बालाजी मंदिर में दान करते आ रहे हैं। बता दें, इस मंदिर के पास ही नीलाद्री पर्वत भी है, जिस पर माता नीला देवी का मंदिर स्थित है। वहीं दूसरी कथाओं की माने तो नीला देवी भगवान विष्णु की 3 पत्नियों में से एक बताई जाती हैं, और कहीं कहीं पर नीला देवी को गंधर्व राजकुमारी भी बताया जाता है। अब आपको बताते हैं व्यापार की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है और क्यों है। आपको बता दें कि दान किए गए बालों की नीलामी की जाती है, जिसमें देश विदेश के लोग हिस्सा लेते हैं, और इसे करोड़ों रुपयों का लाभ भी होता है, क्योंकि ज्यादातर इन बालों का उपयोग विग बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत डिमांड रहती है। तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में हर साल देश विदेश से आने वाले भक्तों द्वारा लगभग 500 से 600 टन बाल दान किए जाते हैं। इसके लिए वहां 500 से भी ज्यादा नाई बैठते हैं। सबसे पहले इन सभी बालों को साफ किया जाता है, जिसके लिए इन कटे हुए बालों को पहले उबाला जाता है, फिर इसे अच्छे से धोया जाता है, और फिर सूखने के बाद ये सभी बाल तय किए गए तापमान में स्टोर करके रखे जाते हैं। फिर उन्हें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वेबसाइट पर बेच दिया जाता है। इन बालों की ऑनलाइन नीलामी भी तिरुपति देवस्थानम द्वारा ही आयोजित की जाती है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी और ये रहस्य कि क्यों तिरुपति बालाजी में बाल दान किए जाते हैं जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।